खत्म ही नहीं हो रहा है सब। I'm not sure if you're going to be able to do that.
दो चीज़ें हैं हमने हमारी कंपनी ने बनाई है, इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है, बहुत पेट में गैस बनती हो, कब्ज रहती हो या ब्लड का सर्कुलेशन खराब हो, हाँ इसमें ये तरीके का है आंवला है, किलो अश्वगंधा बड़ा मोबाइल में रखा तो था। इसके इसके भी अगर पर डॉक्टर हनी शहद है मैम उसकी जड़ी बूटी डाली गई है और जो एक्स्ट्रा टेस्ट से काम करता है हाँ यार नहीं होना यस 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 गारंटी मैम 100% रिजल्ट Honorable MLA Madam Tripti Sa.
Saman Madam, who has also given her valuable time to be present for this press conference today. And we have Ms. Nandita Mishra Madam, Joint Secretary and Economic Advisor in the Ministry of Women and Child Development, Government of Maharashtra, Government of India, sorry, who also Gina. So now I would like to request Ms. Pankaja Munde Madam to kindly start the press. सर्वांचं या पत्रकार परिषदेमध्ये स्वागत आहे. आय वेलकम यू ऑल ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस अँड ऑल द प्रेस गाईड कॅमेरामॅन ऑल द प्रेस रिपोर्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया ऑल ऑफ यू आय वेलकम यू ऑल फॉर दिस युनिक प्रोग्राम. हियर वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ऑर्गॅनिक फूड ॲज वेल एज ऑर्गॅनिक फार्मिंग अँड वी embossing what we are doing is going to be a brand ambassador for this program. And Honorable Jackie Ji is here. She's a great friend and great woman being. Honorable Mansi Ji is here. And she really encourages all the organic things, and she is going to help these women to kind of enhance their marketing and all these things, and she will be able to guide them. Also, my state minister, Vidya Thakur, is here. My Indira Ji is there, who is leading my Arthik Vikas Mahamandal. Basically, I will be talking in three languages because I am from Maharashtra, so of course I cannot ignore Marathi. I am staying in India, so I cannot ignore my national language, my Hindi. And now, since we are going to address to all kind of people here, so I'm going to speak in between in English. Basically, hum jab pehle bachpan mein jab pictures dekhte the ya TV mein koi serial dekhte the, aur tabhi ek saadi movie banti thi jisme uske main lead actor ya actress ko cancer hai, aur wo bahut badi baat lagti thi. Jab hum bachpan mein ye sab dekhte the, tab cancer ye sirf movies mein hai aisa lagta. Jab कोई एक कैंसर पेशेंट के ऊपर मूवी बनती थी, मुझे याद है बहुत बचपन में हमने एक मूवी देखी वेयर खुशबू वाज प्लेइंग अ चाइल्ड रोल एंड शी वाज सुनील दत्त डॉटर एंड शी हैड कैंसर. तो भी हमें बहुत लगता था कि कैंसर मतलब ये सिर्फ सिनेमा में देखते हैं. आनंद में हमने देखा राजेश खन्ना जी को कैंसर था, तो ये मूवीज में देखने वाली चीज़ थी के ऊपर आजू बाजू में स्टोरीज बुनती जाती थी, उसके ऊपर लोगों के बहुत सेंसिटिव रिएक्शन होते थे. पर आज जब मैं देखती हूँ कि मेरे नेबरहुड में कैंसर है, मेरे फैमिली में कैंसर है, मेरे जान पहचान में, मेरे दोस्तों में, और इट इज डूइंग लाइक लिटरली लाइक कैंसर इटसेल्फ, बिकॉज कैंसर इज व्हाट इट इज अननेचुरल ग्रोथ ऑफ एनी सेल. और जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है उसके अगर हम थोड़े से डीप में जाएँ तो जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी डिमांड है, वो इसको बढ़ा रही है. तो बहुत सारी बीमारियों से दूर जाने का एक मेन हमें उपाय है, हमें हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है, जो हमने एंशिएंट इंडिया में किया है, वो वापस हमारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं. वी आर गोइंग टू अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर गोइंग टू अगेन प्रोडक्ट्स विच आर नॉट केमिकली फर्टिलाइज, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एनकरेज दैट. आज मैं देखती हूँ मेरे विजिटर्स में अगर 100 लोगों से मैं रोज मिलती हूँ, उसमें से 10 पेशेंट्स होते हैं और उसमें से 5 लोगों को कैंसर होता है और वो चाहते हैं कि मैं उनको मदद करूं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते. क्यों? कल ही हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि हम प्लास्टिक बैन करेंगे, गुड़ी पाड़वा जो हमारा मराठी न्यू ईयर है उस दिन से. सो आई रियली वेलकम दैट डिसीजन ऑफ पर्यावरण मंत्री ने जो हमारा डिसीजन लिया वो हम प्लास्टिक बैन कर दें. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज अ बिग कॉज ऑफ द कैंसर. तो तनुजा जी यहाँ आई है, आई वेलकम हर एंड वी सेड डायस कम. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome Ms. Tanuja with a big round of applause, please. So I welcome Tanuja ji also running this event and Women Development and Women Child Development. Mobile. Anything. तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने की जरूरत है और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
थाली है और हमारे केंद्रीय मंत्रालय मनेका जी हमारी जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने थाली है कि हम इनको महिलाओं से शुरुआत करेंगे, महिलाओं के जो बचत ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसके माध्यम से हम इंकरेज करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम इंकरेज करेंगे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। और आज हमने देखे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी थे, एडिबल प्रोडक्ट्स भी थे यहाँ, और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हम लोग कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, वीटिग्रास की पाउडर्स लेते हैं, हम लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, और ये सब हमारे यहाँ बने हुए, हमारी महिलाओं ने बनाए हुए, कोई भी केमिकल उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और इसके लिए हम आज ये एग्जीबिशन कर रहे हैं, ये एक शुरुआत है पर ये मोमेंट है, और ये मोमेंट बहुत दिनों तक जाने वाला है, और ये मोमेंट से हमें ये रिजल्ट चाहिए, ये हमारा अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन सब जो रोगों से मुक्ति पाए, और ये सब जो एडल्ट्रेशन हो रही है खानों में या हमारे प्रोडक्ट्स में, उससे हम मुक्ति पाए, और इसमें एक इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन भी हम हमारी रूरल विमेन को करें। तो ये जो प्रोडक्ट्स है दे विल बी मेड बाय विमेन, दे विल बी सपोर्टेड बाय महिला आर्थिक विकास महामंडल, एंड दे विल बी ऑल्सो मार्केटेड बाय विमेन, एंड ऑल्सो ऑफकोर्स एम्बॉस्ड एंड ऑल्सो by women, and Rakita, you are the source behind all these women who are working for this. So, हम चाहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा encourage करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बारे में information दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा है क्या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती, तो वो सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार आज इस बारे में जागरूक हुई है, भले ही वो देर से हम इस बारे में सोचने लगे हैं पर आज हम सोचने लगे हैं। आज अगर आप दुनिया में जाएं, आप स्पेन में जाएं, आप ग्रीस में जाएं, आप यूएस में जाएं, आप जहां भी जाएं, आप देखेंगे कि दे आर वेरी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड लॉसेस वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ एडल्ट्रेशन। आप जाएंगे ऑर्गेनिक फूड इज बिकमिंग वेरी फेमस एंड वेरी मैटर ऑफ कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे देश में जो कि हमारी मिट्टी में बनता है, जिसको हम पहले नकारते थे, पॉलिश फूड नहीं करके हम पॉलिश फूड लेते थे, आज किनोवा जैसी चीज़ें हम खा, मतलब जो हाई इनकम ग्रुप है वो खाते हैं डाइट के लिए, पर हमारे पास भी वैसा प्रोडक्ट मौजूद है मिलेट के रूप में, हम वो सब हाई फाइबर हाई प्रोटीन कंटेंट विदाउट एनी एडल्ट्रेशन इसको एनकरेज करने के लिए, और इवन द कॉटन द प्रोडक्ट्स वी आर वेयरिंग और जो कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी एडल्ट्रेशन है, उसमें भी केमिकल है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आज से हम ना करें तो बहुत सारा शायद एक दशक में हम कुछ पाए और कुछ अच्छा रिजल्ट पाए, और आगे से जाकर हम बहुत सारे रोगों को जो हम निमंत्रण खुद ही देते हैं हमारे डेस्पिरेशन में कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा बड़ा यील्ड हो इसके वजह से, तो वो हम रोक पाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं, और इसमें आप सब स्टार्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो हमारा ये जो प्रयास है वो और उसकी चमक बढ़ गई है। सो आई रियली रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर, एंड आई रियली थैंक यू ऑल। आई कॉन्ग्रेचुलेट इंदिरा जी फॉर हैविंग दिस वेरी सिंपल वेरी सटल इवेंट फॉर वेरी गुड कॉज। सो आई रियली थैंक ऑल, एंड आई थैंक तृप्ति जी ऑल्सो, आई शी वाज सिटिंग देयर, शी इज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव विधायक है यहाँ की, मैं सबके बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ठाकुर मैडम।